आज फिर करंट अफेयर्स का सेशन, और इसके तहत हम लेंगे टीम इंडिया दक्षिण अफ्रीका की क्रिकेट T20 सीरीज। पंकज आडवाणी ने जीता 25वां विश्व खिताब, 25वां विश्व बिलियर्ड्स खिताब और अर्थशास्त्र का नोबेल। तो हम शुरू करते हैं क्रिकेट सीरीज से। टीम इंडिया ने दक्षिण अफ्रीका से जीती छठी वनडे सीरीज। मुख्य टीम नहीं उतारने के बावजूद टीम इंडिया ने दक्षिण अफ्रीका भाग का भारतीय धरती पर चला आ रहा वर्चस्व तोड़ दिया। 11 अक्टूबर को हुए मैच में शिखर धवन की टीम ने अरुण जेटली स्टेडियम में 7 विकेट से जीत हासिल कर 3 मैचों की वनडे सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली। भारत ने दक्षिण अफ्रीका से छठी वनडे सीरीज जीती, जबकि 12 साल बाद घर में उसने इस देश के खिलाफ सीरीज को जीता। निर्णायक वनडे में मेहमान टीम भारत को कोई चुनौती पेश नहीं कर सकी और मैन ऑफ द मैच कुलदीप यादव 18 रन पर 4 विकेट की घातक गेंदबाजी के आगे 27.1 ओवर में महज 99 रन बनाकर सिमट गई। यह दक्षिण अफ्रीका का भारत के खिलाफ सबसे कम स्कोर था, जो वनडे क्रिकेट में उसका चौथा सबसे कम स्कोर था। तेईस साल पहले 1999 में भारत ने नैरोबी में दक्षिण अफ्रीका को सबसे कम स्कोर 117 रन पर समेटा था। भारत के खिलाफ पहली बार और कुल चौथी बार दक्षिण अफ्रीकी टीम 100 से कम स्कोर पर आउट हुई। 100 रन के लक्ष्य को भारतीय बल्लेबाजों ने 3 विकेट खोकर 30.5 ओवर शेष रहते आसानी से हासिल कर लिया। भारत ने 19.1 ओवर में 3 विकेट पर 105 रन बनाए। 3 मैचों में 5 विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज मैन ऑफ द सीरीज बने। पंकज आडवाणी ने जीता 25वां विश्व बिलियर्ड्स खिताब। भारत के स्टार बिलियर्ड्स और स्नूकर खिलाड़ी पंकज आडवाणी ने 8 अक्टूबर को कुआलालंपुर में अपना 25वां विश्व खिताब जीत लिया। उन्होंने विश्व बिलियर्ड्स फ्रेम फॉर्मेट में भारत के ही सौरव कोठारी को 4-0 से हराकर 17वीं बार बिलियर्ड्स में विश्व चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया। यह उनका लगातार 5वां बिलियर्ड्स का विश्व खिताब है। आडवाणी ने पहले फ्रेम में 149 का ब्रेक लगाया, कोठारी को कोई अंक बनाने का मौका ही नहीं मिला। दूसरे फ्रेम में भी पंकज ने 77 का ब्रेक लगाया और 2-0 की बढ़त बना ली। तीसरे फ्रेम में पंकज ने 153 का टूर्नामेंट का सबसे बड़ा ब्रेक लगाकर 3-0 की बढ़त बना ली। चौथे फ्रेम में उन्होंने पहले 86 और बाद में 60 का ब्रेक लगा मैच अपने नाम कर लिया। वित्तीय संकट से निजात पर शोध के लिए दिया गया अर्थशास्त्र का नोबेल। वर्ष 2022 का अर्थशास्त्र का नोबेल 3 अमेरिकी आर्थिक विशेषज्ञ बेन एस बर्नानके, डगलस डब्ल्यू डायमंड, फिलिप एच डैब विंग को दिया गया है। तीनों ने आर्थिक मंदी के दौर में बैंकिंग के क्षेत्र को बेहतर कर अर्थव्यवस्था को बचाने के तरीके सुझाए। 10 अक्टूबर को घोषित अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार कमेटी ने कहा कि तीनों विशेषज्ञों ने दुनिया को बताया कि अर्थव्यवस्था जब मुश्किल दौर में होती है तो समाज को बैंकों की मदद लेकर कैसे निपटना चाहिए। उन्होंने इस बात की अहमियत बताई कि बैंकिंग क्षेत्र को तबाही से बचाना क्यों सबसे उन्होंने इस बात की अहमियत बताई कि बैंकिंग क्षेत्र को तबाही से बचाना क्यों सबसे अहम है। तीनों अर्थशास्त्रियों ने बैंकिंग क्षेत्र से जुड़ा यह शोध 1980 में शुरू किया था।